दोस्तों सभी इलेक्ट्रॉनिक हॉबीस्ट का एक शौक़ होता है कि बचपन से ही हम लोगों के अंदर एक आदत होता है कि हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को तोड़ देते हैं, उसके अंदर देखते हैं कि एक्चुअली में ये वर्क कैसे करता है। उसी तरह से हम लोग आज भी एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम का टीयर डाउन करने वाले हैं, उसके अंदर देखने वाले हैं कि कैसे ये वर्क करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो आज हम लोग एक क्रिस्टल ऑसिलेटर का टीयर डाउन करने वाले हैं। देख सकते हैं कि ये काफ़ी बड़े साइज़ का क्रिस्टल ऑसिलेटर है, तो आप लोग सोच लीजिए कि इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होगा। हम लोग इसके अंदर देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। ये एक नॉर्मल क्रिस्टल ऑसिलेटर नहीं है, ये टेम्परेचर कंपनसेटेड क्रिस्टल ऑसिलेटर है, यानी कि इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो पूरी तरह से कंट्रोल किया जाता है। इसके अंदर एक सर्किट होता है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, यानी बाहर सर्दी का मौसम हो गर्मी का मौसम हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसका जो टेम्परेचर है वो पूरी तरह से स्टेबल रहेगा। और टेम्परेचर स्टेबल होने के वजह से इसका जो आउटपुट का फ्रीक्वेंसी होता है वो काफ़ी प्रिसीजन होता है, यानी कि अगर 10 मेगाहर्ट्ज़ लिखा हुआ है तो आपको आउटपुट भी 10 मेगाहर्ट्ज़ का ही मिलने वाला है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बाहर का टेम्परेचर क्या है। लेकिन बहुत सारे क्रिस्टल ऑसिलेटर ऐसे भी होते हैं जो टेम्परेचर कंपनसेटेड नहीं होते हैं, उसके अंदर भी सर्किट रहता है लेकिन उसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल नहीं किया जाता है, यानी एक्सटर्नल टेम्परेचर जैसा रहेगा वैसा ही इसका इंटरनल टेम्परेचर रहेगा। तो आइए इसके अंदर देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। हमारे सामने दो क्रिस्टल ऑसिलेटर है। फर्स्ट वाले का जो टेम्परेचर है वो इंटरनली कंट्रोल्ड रहता है, यानी रूम टेम्परेचर जो भी हो इंटरनल टेम्परेचर सेम रहेगा। लेकिन सेकेंड वाले का जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, इसके अंदर कोई भी टेम्परेचर कंट्रोलर नहीं लगा हुआ है। अगर इसको हम लोग ओपन करें तो कनेक्टिंग पैड पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारा पॉइंट है जो कि इंटरनल सर्किट से कनेक्ट होता है। अभी हम लोगों ने इसको काट दिया है क्योंकि हमें सर्किट को दोनों तरफ से अच्छे तरीके से देखना है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा हुआ है ये 12.500 मेगाहर्ट्ज़ का है, यानी कि 12.5 मेगाहर्ट्ज़ का एक क्रिस्टल ऑसिलेटर है। इसका आउटपुट का जो फ्रीक्वेंसी है वो 12.5 मेगाहर्ट्ज़ होने वाला है। यहाँ पे एक आईसी है जो कि मे भी हो सकता है क्रिस्टल ऑसिलेटर के सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ किया गया है, और ये एक वोल्टेज रेगुलेटर है जो सर्किट के पूरे वोल्टेज को कंट्रोल करता है। उसके बाद इसके अंदर और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रिसीजन 1% रेजिस्टर का यूज़ किया गया है, तो ये भी इसका भी कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे जो कनेक्टिंग पॉइंट है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये VCC का टर्मिनल है, यानी कि पॉजिटिव सप्लाई का। उसी तरह से ये वाला हमारा ग्राउंड का सप्लाई हो गया, और ये दोनों जो है इनमें से कोई एक आउटपुट है, यानी कि मुझे लगता है कि ये बीच वाला ही आउटपुट होगा क्योंकि ये ट्रिमिंग के लिए यूज़ किया जाता है। बड़ा वाला जो क्रिस्टल ऑसिलेटर है वो वेट में भी काफ़ी हैवी है, और इसको अगर हम लोग ओपन करते हैं तो देखते हैं कि हमें यहाँ पे भी पैड मिलता है। सभी पिंस जो हैं वो डिस्कनेक्ट कर दिए गए हैं क्योंकि हमें सर्किट का कंस्ट्रक्शन देखना है। यहाँ पे हमें एक फोम लाइक कंस्ट्रक्शन मिलता है, और ये इसलिए है क्योंकि इंटरनल टेम्परेचर कंपनसेटेड है तो अंदर का टेम्परेचर बाहर आ जाएगा, इसके लिए ये फोम का यूज़ किया गया है। अब देख सकते हैं कि ये सर्किट के चारों तरफ फॉर्म का यूज़ किया गया है, और ये काफ़ी सारा फॉर्म है। अभी हम लोग सर्किट को रिमूव कर लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग सर्किट को रिमूव करते हैं तो हमें नीचे भी फॉर्म मिलता है, लेकिन फॉर्म के नीचे कुछ भी नहीं मिलता है। अभी हम लोग सर्किट को देखेंगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे दो सर्किट का यूज़ किया गया है, दोनों सर्किट एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, लेकिन ये सारे पिन मैंने डिस्कनेक्ट कर दिए हैं क्योंकि आप लोगों को दिखाना था। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो दोनों सर्किट ओपन हो गया है। ऑसिलेटर सेक्शन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें एक प्रिसीजन वोल्टेज रेगुलेटर मिलता है जो कि इस वाले पोटेंशियोमीटर के हेल्प से एडजस्ट किया जाता है, यानी इसके वोल्टेज को हम लोग इस पोटेंशियोमीटर के हेल्प से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अंदर एक क्रिस्टल ऑसिलेटर है जो कि 10 मेगाहर्ट्ज़ का है, क्योंकि इसका जो आउटपुट का फ्रीक्वेंसी है वो भी 10 मेगाहर्ट्ज़ है, तो मे बी ये क्रिस्टल ऑसिलेटर 10 मेगाहर्ट्ज़ का ही होगा। यहाँ पे और भी बहुत सारे इंडक्टर्स का कैपेसिटर्स का यूज़ किया गया है, और ये एक ऑसिलेटर सेक्शन है तो इसके अंदर कैपेसिटर और जो इंडक्टर है वो ऑसिलेशन के लिए यूज़ किया गया होगा। उसके बाद जो मेन सेक्शन है यानी कि टेम्परेचर कंट्रोलर सेक्शन, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ओपैम्प आईसी का यूज़ किया गया है, ये एक संट रेसिस्टर है, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं,
और ये देखिए रेड वायर के साथ में हीट सिंक के साथ में टेम्परेचर सेंसर जुड़ा हुआ है ताकि हीट सिंक के टेम्परेचर को मॉनिटर किया जा सके। इसके पीछे जो ट्रांजिस्टर है वो हीट को जनरेट करता है और इस हीट सिंक को गर्म करता है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम लोग करंट का सप्लाई करते हैं तो एक कांस्टेंट करंट सप्लाई करते हैं और उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर हमारे थ्रेशोल्ड लिमिट को पहुंच जाता है तो ये करंट का सप्लाई धीरे धीरे कम कर दिया जाता है। अभी हम लोग इस टेम्परेचर कंट्रोलर सर्किट के साथ एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, यानी कि इसके टेम्परेचर को मॉनिटर करेंगे और देखेंगे इसका बिहेवियर कैसा है। ये एक टेम्परेचर सेंसर के साथ में कनेक्ट है और इस मीटर के थ्रू हम लोग टेम्परेचर को मॉनिटर करेंगे और इसको एक 12 वोल्ट के सप्लाई के साथ में हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 13.9 वोल्ट का जो वोल्टेज है वो सेट किया हुआ है। इसको आप लोग 12 वोल्ट भी कर सकते हो लेकिन हम लोग इसको 13 वोल्ट ही सेट करेंगे। तो जैसे ही हमने सप्लाई के साथ में इसको कनेक्ट किया है आप लोग देख सकते हो कि जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ करना स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे अगर हम लोग सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे एक कांस्टेंट करंट ड्रॉ होना स्टार्ट हो गया है। अगर हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज़ भी कर दें उसके बावजूद भी जो करंट का सप्लाई है वो सेम ही रहता है। अभी आप देख सकते हैं कि जो सप्लाई है वो कट हो गया है लेकिन हमारा जो टेम्परेचर है वो 86 डिग्री सेल्सियस पे बना हुआ है। और धीरे धीरे आप लोग देख सकते हैं कि अभी जो कांस्टेंट करंट है यानी कि जो करंट का सप्लाई है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। यानी टेम्परेचर कम होगा तो फिर से सप्लाई स्टार्ट हो जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सप्लाई कट हो जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ऐसे और भी वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहेंगे, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसका जवाब मैं जल्द से जल्द देने का कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।